हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप डे में शूट करें या नाइट में शूट करें, आपके वीडियो में मतलब टाइमिंग क्या होनी चाहिए वीडियो शूट करने के लिए। और अगर आपके पास टाइम रहता है, दिन में आप खाली रहते हैं, तो आप बाहर शूट करें तो बेस्ट रहेगा, या आप रूम में शूट करें इंडोर तो बेस्ट रहेगा। दोनों जगह का वीडियो दिखाऊंगा, बाहर का भी अंदर का भी, और आपको पता चलेगा दोनों की चीजों के बारे में। क्या होता है कि हम अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, बाहर खड़े होकर शूट करेंगे चलकर, लेकिन अभी मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूँ। स्टूडियो में बैठने के बाद मेरे यहाँ से जो पीछे दीवार दिख रही है, ये दीवार कम से कम शायद 10 फीट होगी, 10 फीट दीवार मैंने छोड़ रखी है, फिर जाके पीछे का सीन मेरा ब्लर दिख रहा है, राइट। तो अगर आप कभी इंडोर में शूट करते हो और आपका ब्लर में प्रॉब्लम आती है, तो हमेशा आप कोशिश करिए कि पीछे की दीवार जितनी ज्यादा दूर होगी उतना अच्छा रहेगा। प्लस आपके वीडियो में शूट करते टाइम हमेशा यह ध्यान रखिए बैक कैमरे का यूज करिए। अगर बैक कैमरे में आप कंफर्ट नहीं है तभी आप फ्रंट का यूज करिए। अभी के टाइम पर मैं फ्रंट कैमरा यूज कर रहा हूँ अपना, लेकिन मैं बैक कैमरा यूज करता हूँ ज्यादा। कभी कभी मुझे जब लगता है कि नहीं अभी फ्रंट कैमरा जरूरी है तब मैं फ्रंट कैमरा यूज करता हूँ, अदरवाइज मैं बाहर का ही बैक कैमरा ही यूज करता हूँ, राइट। जब आप इनडोर में शूट करते हैं तो आपको लाइट की जरूरत पड़ती है, जैसे एक लाइट ये जल रही है, एक लाइट इधर लगी हुई है, ये वाली लाइट अभी आप देखेंगे तो अभी लाइट आ गई, ये इफेक्ट थोड़ा सा अलग से आ गया, राइट। अब यहाँ पर एक लाइट नीचे लगा रखी है आरजीबी वाली लाइट, एक लाइट पीछे लगी हुई है, ये आपको कर्टन दिख रहा होगा, पीछे लैपटॉप दिख रहा है, टेबल दिख रही है, ये सब चीजें दिख रही हैं, राइट। ये सब चीजें लगाया है, स्टेप एक एक चीजें अच्छे से रखा है, जिससे कि आपको वीडियो में दिक्कत ना हो, देखने में अच्छा लगे वीडियो में, राइट। वीडियो में थोड़ा सा ऐसा ना लगे कि यार कुछ भी ऐसे उठा के डाल दिया, तो ऐसे नहीं, इसको एक एक चीजें सेट किया है तभी आपको ये सब चीजें दिख रहा है। बट अगर यही चीजें मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आप बैक बाहर जाकर शूट करेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको चल के दिखाता हूं, बाहर जाकर शूट करेंगे तो बाहर शूट करने में आपको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं बाहर और आपको पता चलेगा कि इंडोर और आउटडोर में शूट करने से कितना बेस्ट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं बाहर मैं अगर शूट करता हूँ, कोई भी वीडियो बाहर शूट करता हूँ, तो मुझे ज्यादा कुछ लाइट की जरूरत नहीं है, यहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है, और अपने हाथ में ही लेकर फोन शूट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, राइट। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था, बाहर अगर लोकेशन पर शूट करोगे वीडियो तो आपको सिर्फ एक पेड़ देख लेना पीछे, अगर ग्रीनरी से आ रहा हो कोई पेड़ वगैरह, तो आपके लिए बेस्ट होता है वो ऑप्शन। और उस टाइप पर अगर आप शूट भी करेंगे ना, आपके लिए वो वीडियो बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। और अगर बैक कैमरे से शूट करोगे और आप नॉर्मल फोन से शूट करते हो तो आपको उसमें ब्लर भी बढ़िया से दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं आवाज़ मेरी शायद आपको थोड़ी सी नॉइजी आ रही होगी, बट आपको वीडियो क्वालिटी एकदम परफेक्ट आ रही होगी, ये तो मुझे पता है। प्लस आपके पास कैमरा क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी वीडियो क्वालिटी कैमरे से ही जज होती है। आपकी वॉइस ओवर है, आपकी आवाज़ है अच्छी है, आपके नॉलेज अच्छे हैं, लेकिन अगर कैमरा अच्छा नहीं है तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो कैमरा अच्छा होने के लिए आप आईफोन यूज कर सकते हैं, या फिर आप वीवो का फोन यूज कर सकते हैं, या कोई भी फोन यूज करिए जो रेंज 30,000 से ऊपर का फोन आते हैं आज के टाइम, उस फोन में आपको अच्छा कैमरा मिल जाता है एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, तो आप उन कैमरे का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।